अपनी 3 दिवसीय जापान यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओसाका में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में भाग लिया और जापानी निवेशकों में से राजस्थान में अपने मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने और नए उद्यम स्थापित करने का आग्रह किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने 2 प्रमुख जापानी कंपनियों डाइकिन और NIDEC कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। इन कंपनियों के राज्य के निमराड़ा जापानी निवेश जोन में पहले से ही उपक्रम है। ओसाका निवेशकों की बैठक में राज्य में मौजूद कारोबार की संभावनाओं की बात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजस्थान के प्रति विश्वास जताने के लिए जापानी निवेशकों को धन्यवाद किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जापानी निवेशक समुदाय से राजस्थान में अपना विश्वास बनाए रखने और भारत और जापान के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत बनाने का आग्रह करता हूं। राजस्थान में नीमराड़ा जापानी निवेश क्षेत्र में लगभग 50 जापानी कंपनियों का सफल संचालन राज्य की व्यापार करने में आसानी और व्यापार माहौल को बेहतर बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आने वाले दिनों में एमएसएमई नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, डेटा सेंटर नीति जैसे कई नए निवेशक अनुकूल नीतियों को शुरू करने जा रही है ताकि राज्य निवेशकों और व्यवसायियों के लिए एक प्रमुख आकर्षक स्थान के रूप में उभर सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुक्रवार को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 4th संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये हर्ष का विषय है कि पर्यटन विभाग राजस्थान और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के सहयोग से 4th राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पर्यटन के लिए विजन बहुत ही दूरदर्शी और उत्कृष्ट है। उन्हीं के प्रयास से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की जयपुर यात्रा हुई और जयपुर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर छा गया। उन्होंने साथ ही कहा कि हम राजस्थान में जल्दी ही नई पर्यटन नीति को लॉन्च करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने दिसंबर में आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान में यहां पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में पर्यटन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ईज ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देंगे। यहां पर्यटन के लिए सड़कों, रेल, हवाई सुविधाओं का विकास करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वीर तेजाजी महाराज की 10वीं तथा लोक देवता श्री बाबा रामदेव जी की जयंती के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर राजस्थान प्रदेश की उन्नति एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। डोटासरा वीर तेजाजी महाराज के ऐतिहासिक वार्षिक मेले में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित हुए। उसके पश्चात प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने नागौर जिले परबतसर में स्थित श्री वीर तेजाजी मंदिर में दोपहर 3 बजे दर्शन कर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि परबतसर स्थित श्री वीर तेजाजी मंदिर हेतु डोटासरा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री देवस्थान विभाग में रहते हुए 2,34,00,000 रुपए की राशि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आवंटित की थी। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि डोटासरा इसके बाद ग्राम संगालिया में श्री वीर तेजाजी विकास समिति द्वारा आयोजित तेजा महाकुंभ में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विदेश यात्रा को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय और प्रदेश के बड़े अधिकारियों की गलती से मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा संवैधानिक संकट में फंस गई है। खाचरियावास ने कहा कि यह यात्रा कोर्ट की अवमानना का बहुत गंभीर मामला है। यदि इसे अभी भी राज्य सरकार हल्के में ले रही है तो मानकर चलना ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भारी पड़ जाएगा। खाचरियावास ने कहा कि कानूनी मर्यादाओं को लेकर मंत्रियों का बचकाना बयान देना और इसमें भी राजनीति करना
साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम में एक भी मंत्री सीरियस एवं परिपक्व नहीं है। जो मुख्यमंत्री के अग्रिम बेल के बाद 2013 के मामले में बिना कोर्ट की परमिशन की यात्रा के मामले में सीरियस बयान देकर कोई रास्ता निकालता। खासी आवास ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा पर जो सवाल उठे हैं और जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, उस पर सरकार का पक्ष रखना चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारी अपने आप को संविधान और कोर्ट से बड़ा समझते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने 5 दिन के प्रवास पर शुक्रवार को आश्रम एक्सप्रेस से अलवर पहुंचे। इस दौरान वे रेलवे स्टेशन के समीप संजय नगर में स्थित संघ कार्यालय केशव कृपा पहुंचे। आपको बता दें कि सरसंघ चालक संघ कार्यालय में प्रांतीय व क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही सरसंघ चालक भागवत 15 सितम्बर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वयं सेवक एकत्रीकरण के नाम से होने वाले इस कार्यक्रम में संगठन में शक्ति का संदेश देंगे। कार्यक्रम में जिले के स्वयं सेवकों के साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव व वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी शामिल होंगे। वहीं उसके बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत 17 सितंबर को कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा में कार्यक्रम में जाएंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में विज्ञान भारती राजस्थान, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल CSIR, सीरी पिलानी एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आगामी टेक कनेक्ट 2024 का कर्टेन रेजर और इंजीनियरिंग डे व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि टेक कनेक्ट 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न परिवेक्षियों पर आधारित राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना प्रस्तावित है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि योजना पर चर्चा हुई। संगोष्ठी में 28 राजकीय विभागों एवं निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत पहले सत्र के माध्यम से आगामी टेक कनेक्ट 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अवधारणा और आदि संबंधित विषयों की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। साथ ही उपस्थित सभी विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित किए गए। उपखंड मुख्यालय पीसांगर समेत देहात में तेजा दशमी की पूर्व संध्या पर गांव गांव लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिरों में तेजाजी महाराज के तराने गूंजे और तेजाजी महाराज की जोत निकाली गई। आज तेजाजी महाराज के मेले लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक तेजा दशमी पर ग्रामीण तेजाजी को खीर चूरमे और नारियल का भोग लगाकर तेजाजी महाराज की पूजा अर्चना कर सर्व मंगल की कामना कर रहे हैं। तेजा दशमी की पूर्व संध्या पर तेजाजी के दरबार में भजनों का आयोजन हुआ, जिसमें ढलती रात से भोर होने तक लोक कलाकारों ने तेजाजी के तराने गाए। सवेरे महाआरती के उपरांत तेजा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मेला ग्राउंड के अलावा रामपुरा डावला भावंता में मेला लग रहा है। वहीं दूसरी ओर देहात के गोविंदगढ़, फतेहपुरा और भावंता में तेजाजी महाराज के मंदिरों में तेजाजी महाराज के प्रतीक काले नाग की प्रतिमाओं के समक्ष व मंदिर परिसर में पहुंचने पर ग्रामीणों ने काले नाग की पूजा अर्चना कर सर्व मंगल की कामना करते हुए नाग देवता के दर्शन किए। आम आदमी पार्टी की जयपुर इकाई ने जयपुर की टूटी और खस्ता हाल सड़कों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जयपुर में 101 जगह पर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आंदोलन की शुरुआत की है। जयपुर जिला अध्यक्ष अर्चित गुप्ता ने बताया, राजधानी जयपुर में मॉनसून के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों के बीच सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। हर रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार बीजेपी सरकार, जेडीए, कांग्रेस और बीजेपी शासित नगर निगम सभी गहरी नींद सो रहे हैं। जयपुर की जनता की आवाज बनकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। अगर 15 दिन में गड्ढे नहीं भरे तो आम आदमी पार्टी नगर निगम और जेडीए कार्यालय का घेराव करेगी। जयपुर जिला सचिव राजपाल फुगावत ने बताया कि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस और जयपुर ग्रेटर में बीजेपी के मेयर हैं। आज जयपुर की जनता टूटी सड़कों से परेशान है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खामोश है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सड़कों पर है। अगर जल्द गड्ढे नहीं भरे गए तो आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी।
शुक्रवार को पर्यटन शासन सचिव रवि जैन और आरटीडीसी प्रबंधन निदेशक सुषमा अरोड़ा ने निगम अधिकारियों की टीम के साथ राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल गणगौर खासा कोठी कैफेटेरिया पड़ाव नाहरगढ़ एवं शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का निरीक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन सचिव रवि जैन ने बताया कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके इसीलिए निगम द्वारा संचालित इकाइयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निगम द्वारा संचालित होटल्स के प्रमोशन के लिए नवचार के साथ मार्केटिंग की जाएगी। बरसों से घाटे में चली आ रही आरटीडीसी को मुनाफे में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आरटीडीसी निगम प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि पधारो मारे देश के साथ हम देश विदेश के पर्यटकों को राजस्थान पधारने का आमंत्रण देते हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि राजस्थान आने वाले सभी पर्यटकों को आवास भोजन एवं परिवहन की अच्छी सुविधा मिल सके। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने शुक्रवार को निर्माणाधीन प्रमुख परियोजना आईपीडी टावर एवं शिवदासपुरा में निर्माणाधीन सैटेलाइट अस्पताल का दौरा किया। साथ ही जेएलएन मार्ग जवाहर सर्किल व टोंक रोड इत्यादि पर चल रहे सड़क मरम्मतीकरण के कार्यों का मौका निरीक्षण किया गया। जेडीसी ने दौरे के दौरान आईपीडी टावर व कॉर्डियो भवन की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान आईपीडी टावर के विभिन्न चिकित्सीय तलों के कार्य हेतु प्रस्तावित इस्तेमाल व कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त की। जेडीसी ने कार्डियो भवन के कार्य को अक्टूबर 2024 तक पूर्ण करने एवं प्रोजेक्ट के विभिन्न कार्यों हेतु काम में ली जा रही निर्माण गुणवत्तापूर्ण सामग्री लगाने के निर्देश दिए। जेडीसी ने बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कें जेएलएन मार्ग जवाहर सर्किल व टोंक रोड इत्यादि पर चल रहे कोल्ड मिक्स से पेच रिपेयर कार्य का औचक निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं सड़कों को शीघ्र सुधारने के भी निर्देश दिए। इजिप्ट में 17 से 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जानी है, जिसको लेकर महासंघ द्वारा आयोजित वर्ल्ड व्हील चेयर हैंडबॉल चैंपियनशिप में रवाना होने वाली भारतीय टीम का आज सम्मान किया गया। इस दौरान वी यूनाइट फाउंडेशन द्वारा खिलाड़ियों का स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन सचिव विजय पंडित, संरक्षक शक्ति सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। लोक देवता बाबा रामदेव की बाबा की दशमी शुक्रवार को शेरगढ़ कस्बे सहित ग्रामांचल में श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस दिन शेरगढ़ कस्बे के मेगा हाईवे के निकट स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पुजारी ओमदास द्वारा विशेष पूजा अर्चना करके व मंदिर की परिक्रमा करके सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। व्यवस्थापक कैप्टन रूपाराम और नारायण राम परमार की मौजूदगी में मेला स्थल पर ट्रैक्टर लगाकर जमीन को समतल कराया गया ताकि मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानों का हाट बाजार सजाया जा सके। शेरगढ़ कस्बे में बाबा रामदेव मेला शनिवार 14 सितंबर को भरा जाएगा। शेरगढ़ में बाबा रामदेव मंदिर स्थल पर शनिवार को सवेरे 9:15 पर ध्वजारोहण के साथ मेले का आगाज हुआ, जहां फल सब्जी मिष्ठान मणिहारी बर्तन व खिलौने आदि की अस्थायी दुकानों का हाट बाजार जाया गया। मेले में शेरगढ़ के आसपास के गांवों में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे तथा नारियल आदि प्रसाद चढ़ाकर व मंदिर की परिक्रमा करके सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करेंगे। बाबा की दशमी शेरगढ़ कस्बे सहित विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक परंपरा अनुसार श्रद्धा भाव उत्साह के साथ मनाई जा रही है। शेरगढ़ कस्बे में हर वर्ष की भांति इस बार भी 11 के दिन 14 सितंबर को बाबा रामदेव मेला भरा जाएगा। इससे पूर्व आज 13 सितंबर को मेला स्थल पर रात्रि जागरण भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को मेला स्थल पर विभिन्न अस्थायी दुकानों का हाट बाजार सजाया जाएगा। मेला कल भरा जाएगा 11 के दिन, भव्य मेला भरा जाएगा, हाट बाजार लगेगी, दूर दूर से सभी यात्रीगण आएंगे। क्या आस्था है यहाँ मेले की, खासियत क्या है? मेले की जो भी आपके मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है मन्नत। क्या कहाँ कहाँ के श्रद्धालु आते हैं? सभी बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सुबह कितने बजे ध्वजारोहण होगा? ध्वजारोहण 10 बजे।
नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नवोदय गौरव अवार्ड एवं कोर कमिटी मीटिंग 2024 का आयोजन 15 सितंबर 2024 को जानकी देवी ऑडिटोरियम, जानकी देवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर 19, प्रताप नगर, जयपुर में किया जा रहा है। नवोदय फैमिली वर्ल्ड वाइड के संस्थापक सीताराम नरनौलिया ने बताया कि वर्तमान में हमारे नवोदय विद्यालय के 16 लाख सदस्य हैं। भारत सहित 140 देशों में अपने नवोदय परिवार का नेटवर्क है। इसका राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 15 सितंबर को होना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही देश के विभिन्न नवोदय विद्यालयों के पूर्व छात्र, विविध क्षेत्रों में कार्यरत आईएएस, आईपीएस, आईईएस, शिक्षाविद, विद्वान, अभियंत्रक, डॉक्टर, पत्रकार, राजनीति में अपनी सेवाएं देते हुए नवोदय की एक अलग पहचान बना रखी है, उनको गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां डीआरआई राजस्थान ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रतिबंधित 20,000 अल्प्रोजोलम दवा जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दवाएं प्रतिबंधित हैं। नमकीन के पैकेट में पैक करके यूरोपियन देशों में आरोपी दवाओं को भेज रहे थे। आरोपी अरबाज और प्रभुराम पर हुए पूर्व में एक्शन से इनपुट मिला था। आज ही जयपुर पहुंचा था कंसाइनमेंट। 40 लाख रुपए मूल्य है बाजार में कीमत। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रतिबंधित 20,000 अल्प्रोजोलम दवा जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये दवाएं प्रतिबंधित थी, हालांकि इनपुट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अरबाज और प्रभुराम पर एक्शन लिया है। डीआरआई राजस्थान का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया गया है। 40 लाख रुपए बाजार में इसकी कीमत बताई जा रही है। सुमेरपुर तख्तगढ़ शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश उत्सव की धूम चल रही है। सुमेरपुर तख्तगढ़ शहर की गलियों में विराजमान देवों के देव गणपति महाराज सुबह शाम आरती आयोजित होती है। वार्ड संख्या 7 में माजीसा मित्र मंडल द्वारा गणेश चतुर्थी महोत्सव मनाया गया। भगवान गणेश जी 56 भोग लगाया गया। आरती में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तख्तगढ़ कस्बे की चक्की गली चार राजा गणपति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणपति बप्पा को 56 भोग लगाकर आरती की। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र चांदौरा, पूर्व पार्षद महेश रावल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुमेरपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तो वहीं भगवान गणेश को श्रद्धालुओं ने 56 भोग लगाया। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। सुमेरपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए और भगवान गणेश की आरती की। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने सभी की सुख समृद्धि की कामना भी की। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही लगातार हुई बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। इंद्रदेव ने धौलपुर में ऐसा कहर मचाया है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। धौलपुर के इतिहास में 44 साल बाद ऐसी बारिश देखी गई है। जिले के 7 बांध, नदी, तालाब, पोखर और खेत पानी से लबालब हो गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी अब चंबल नदी में आना शुरू हो चुका है। वहीं पार्वती बांध के 16 गेट बंद कर दिए हैं, लेकिन पार्वती नदी उफान पर होने से नदी के आसपास बसे करीब 50 गांवों पर बाढ़ का संकट गहरा गया है। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रभारी सचिव पी रमेश और संभागीय आयुक्त ने जिले के आला अधिकारियों और सेना के जवानों के साथ बैठक लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। बाढ़ आपदा में फंसे एसडीआरएफ की टीम ने करीब 257 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। खबर धौलपुर से है, जहां 44 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर देखने को मिला है, जिसके चलते कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आला अधिकारियों की ओर से बैठक ली गई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर अब तक 257 लोगों का रेस्क्यू किया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है।
अलवर स्कीम नंबर एक में हरी बाबा मंदिर के पास बिजली का पोल लगाने को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि किसी भी स्तर पर घर के आगे बिजली का पोल नहीं लगने देंगे। स्कीम एक निवासी संजय शर्मा ने बताया कि उनके मकान के गेट में दो पोर्शन हैं और एक गेट के आगे ये पोल लग रहे हैं, ऐसे में वो गेट कैसे निकालेंगे। कॉलोनी में एक डॉक्टर द्वारा कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, जबकि नियम के अनुसार कॉलोनी में कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए इस डॉक्टर की बिल्डिंग के लिए आरएसईबी विभाग द्वारा कॉलोनी वासियों के घर के आगे विद्युत पोल लगाया जा रहा है। इसकी शिकायत भी की गई लेकिन कोई भी नहीं आया। डॉक्टर ने बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी। उन्होंने बताया कि एक तरफ अलवर शहर में केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्री एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनका कनेक्शन देने के लिए एक गुलमोहर का बड़ा पेड़ काट दिया गया। कुशलगढ़ उपजिला चिकित्सालय के पीएमओ और कुशलगढ़ मुख्य ब्लॉक बीसीएमओ आपस में भिड़ गए। इसको लेकर दोनों ने कुशलगढ़ थाने में अलग अलग रिपोर्ट दी। जानकारी के अनुसार घटना 5 सितंबर को कुशलगढ़ उपजिला चिकित्सालय का शिलान्यास समारोह होने के बाद रात्रि में दोनों अधिकारी मारपीट पर उतारू हुए, जिसको लेकर बीसीएमओ डॉक्टर गिरीश भाभोरने ने बताया कि मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद हम सामान समेटवाने में और अनावरण पट्टिका का ध्यान रखते हुए बैठे थे, जिस पर पीएमओ और कुछ साथी कार में बैठकर आए और गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। तो वहीं रिपोर्ट में कुशलगढ़ चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर चिमन लाल मीणा ने बताया कि मेरे दोस्त के साथ मारपीट की गई। घटना को लेकर कुशलगढ़ पुलिस थाने में दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। जिला चिकित्सालय शिलान्यास का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के लिए मैं सुबह 5 बजे से वहाँ प्रोग्राम स्थल पर व्यवस्था में लगा हुआ था। पूरे दिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद शाम को सभी व्यवस्थाएं, जो मजदूर कलाकार उनको पेमेंट कर रहा था और जो भी व्यवस्थाएं सामान था उसको शिफ्ट कर रहा था, जो टेंट की तरफ था उसको अस्पताल की तरफ शिफ्ट करना और जो भी सामान इधर उधर अस्त व्यस्त था उसको व्यवस्थित किया। इसके बाद हमने देखा वहाँ हम बाहर बैठे हुए थे, मैं और मेरे दो साथी यानी स्टाफ मेरे साथ थे, तो उनके हमने ये देखा कि वहाँ आसपास कोई भी असामाजिक तत्व इस तरीके से बार बार बाइक लेके आना जाना इधर राइट साइड में कर रहे थे परिसर के आसपास। तो हमें ये पहले से थोड़ी आशंका थी कि शिलान्यास पट्टिका का कहीं नुकसान कर दे, तोड़ दे, इस प्रकार का था, इसलिए हम उसके देख रेख में वहाँ पे बाहर चेयर लगा के बैठे हुए थे। जी, उस रात्रि में डॉक्टर गिरीश बाबोर, मैं जब ऑन ड्यूटी पे था अपने आवास पे, डॉक्टर गिरीश बाबोर बीसीएमओ द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही थी अस्पताल परिसर के अंदर, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। तो मैं वापस बाहर आया तो मैं कहा लड़ाई मत करो अस्पताल परिसर में, इस तरह की घटनाएं गलत हैं और आप लोग अपने अपने घर जाओ, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो तुरंत उसने डॉक्टर गिरीश बाबोर ने मेरा गला पकड़ लिया और बेल्ट से मारने के लिए दौड़ा, फिर थप्पड़ मारी और धक्का मुक्की करके इस तरह की करी। तो उसके साथ में और कर्मचारी थे दो जने, उन्होंने बीच बचाव किया और फिर मैं अपने आवास पे चला गया। इसके बाद में इन्होंने भी रात में इधर आके अपने आप को अपने विषय में होने का दुरुपयोग करते हुए यहाँ पे आए दिन डॉक्टरों को धमकी देके और यहाँ से रेफरल कार्ड बना के बांसवाड़ा गए। मारवाड़ जंक्शन के निकट बिठौड़ा खुर्द गांव में क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही भारी बरसात के चलते एक गरीब का आशियाना गिर गया। कच्ची मिट्टी से बने इस मकान के गिरने से गरीब धनराज पुत्र पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। स्थानीय मकान की दीवार और मकान गिरने से स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और प्रशासन को सूचना दी। सूचना के बावजूद भी कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। कच्चा मकान गिरने से मकान के नीचे रखे पानी, पीने के बर्तन, घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय ग्रामवासियों ने प्रशासन से उक्त गरीब को राहत पहुंचाने की अपील की। ये तो गनीमत रही कि मकान गिरने के समय कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल ग्रामवासियों द्वारा पास के खुले मैदान में उक्त गरीब के घरेलू सामान को रखवाया और प्रशासन से उक्त गरीब की मदद करने की अपील की गई।
मकराना के इंडस्ट्रियल एरिया बिदियाद में स्थित मार्बल खनन क्षेत्र के कोला डूंगरी रेंज की एक खदान पर गुरुवार शाम को लाल बत्ती लगाकर ब्लास्टिंग की गई, जिससे आसपास के एक किलोमीटर के एरिया में छोटे छोटे पत्थरों की बरसात हो गई। जानकारी के अनुसार कोला डूंगरी रेंज की एक मार्बल खदान में शाम लगभग 6 बजे के आसपास लाल बत्ती लगाकर ब्लास्टिंग की गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।